हमारी छोटी सी खोज आज हमें ऐसे कलाकार के पास ले आई है जिनकी कला बहुत ही यूनिक है और शायद बहुत समय से कहीं खोई भी हुई थी। हमारे बीच एक ऐसे खोए हुए कलाकार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, उपेंद्र नेताम जी से। उपेंद्र नेताम जी, आपको सबसे पहले बताएं कि आप जन्म, आपके माता पिता और अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। बाबा, मेरा जन्म यही कुंडई गाँव में हुआ है, कुंडा गाँव जामपुर पारा में, और मेरे माता पिता का नाम श्री राधे मोहन नेताम है और माँ श्रीमती राम नेताम है जी, और मेरी पत्नी है पूजा नेताम और मेरा एक बच्चा है 3 साल का जी दक्ष नेताम, हम लोग आज परिवार जी। आपके पिताजी क्या व्यवसाय करते थे? पिताजी तो शुरू से मजदूरी करते हैं अच्छा, और वो भी सांस्कृतिक गीत लिखते हैं हल्बी गीत अच्छा, हल्बी भाषा में, हल्बी भाषा में जी, और बनफुल चलाए वो बन से 10 साल जी। आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ, मतलब किस तरीके से, मतलब आपके दिमाग में आया कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन से मैं ऐसी पढ़ रहा था, तो उस समय से बचपन से ही हाथी घोड़ा छोटा मोटा से कुछ बनाने में कॉपी में करते करते गया, वहीं से रुझान बढ़ता गया पेंटिंग की तरफ। तो ऐसी कैनवास पे कभी काम करता था, कभी आइवरी शीट पे, तो एक लोहा है जो बद्रीनाथ विश्वकर्मा करके जी, तो उनका क्या भी हमेशा आना जाना लगा रहता था, लोहा का काम करते हैं, एक एग्जीबिशन में जाते थे, तो उनका नज़र मेरे कला के तरफ पड़ा, कभी काम किया उस टाइप का जी। वो मेरे को रायपुर लेके गए जी, वहाँ निकासी दास संग्रहालय जी, तो वहाँ से मेरा काम किया अच्छा। तो मतलब आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे थोड़ा सा इस जो मैं कर रहा हूँ या जो मैंने जो अभी तक सीखा है उसको मैं अगर कुछ क्रिएटिव करूँ या कुछ अलग करूँ, या जो अभी आप अभी हमने बात की जैसे बाम्बू पेंटिंग जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो इसको अगर बाम्बू पेंटिंग में करें तो थोड़ा सा यूनिक लगेगा ये, मतलब इसका इंस्पिरेशन आपको कैसे आया, मतलब किस तरीके से आया थोड़ा आपके दिमाग में? जैसे महंत काशीदास संग्रहालय में बद्रीनाथ विश्वकर्मा के साथ गया था जी, तो वहाँ एक देखा कि बेलगुर करके एक आर्टिस्ट था गाँव का, बेलगुर मंडाली का नारायणपुर का, तो उनका जो काम था वो बॉडी के अंदर जैसे कुछ भी बॉडी बना दी या घर बना दिए उसके अंदर बारीक जीरो ब्रश से लाइनिंग करके जी जी उसमें डिजाइन देते थे जी। वहाँ से देख के मेरे दिमाग में ये आया कि वो लाइनिंग की जगह क्यों ना मैं बांस का रेशा चिपका के बनाऊँ, मतलब वहीं से ही शुरू हुआ काम, मतलब आने के बाद में तुरंत इस टाइप का काम किया। तो फिर मतलब तब से आपने मतलब बाम्बू पेंटिंग जो है शुरू कर दिया जी। तब से फर्स्ट पेंटिंग आपने कब तैयार की, मतलब बाम्बू स्टाइल में, बाम्बू पेंटिंग स्टाइल में? बाम्बू पेंटिंग स्टाइल में फर्स्ट पेंटिंग मेरा 2000 में हुआ, तो 2000 में हुआ तो उस समय मैं छोटा सा 1.5x2 का बनाया जो पहला पेंटिंग था मेरा बेलगुर का, और उसको मैं देवरबाल एक छोटा सा शोरूम है जी जी तो वहाँ पे मैं रखवाया था, तो बाहर के लोग आए थे और वहीं से लेके चले जी। अच्छा, आप थोड़ा सा मतलब आपकी जो बाम्बू पेंटिंग, तो इसकी जो तकनीक है, टेक्निक, किस टेक्निक से आप इसको तैयार करते हैं, इसका ऑल ओवर जो कार्यक्रम रहता है या जो शेड्यूल रहता है वो किस तरीके से रहता है, उसमें आप थोड़ा सा इसका जो प्रिपेयरनेस रहता है, तैयारी आप किस तरीके से शुरू करते हैं, उसमें थोड़ा सा नहीं बताएं कुछ? ये जो पेंटिंग है बेम्बू पेंटिंग जी, ये बांस का बारीक बारीक रेशे से काम होगा जी, और ये उस सीट पे होगा जिसमें एकदम प्लेन चिकना रहता है ताकि ऊबड़ खाबड़ ना हो, चिपकाने में थोड़ी तकलीफ ना हो टाइप का। तो ये जो काम है जो सिकुन करके आता है जो दोनों पत्थर से जी 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 मार्केट मिलता है ये, तो उससे हम लोग क्या सूखा कि इसका रेशा निकालते हैं जी, रेशा निकालने के बाद इसको और सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद उसको पॉलिश करना पड़ता है ऐसा खींच के, तो पॉलिश करने के बाद बारीक बारीक कटिंग करके फेविकोल से ही चिपकाते हैं जी, और इसको डिजाइन देते जी, और इसमें टच वुड का भी कुछ मतलब आप पूछते हैं, टच वुड फेविकोल पोस्टमार्टम ब्लेड का इस्तेमाल होता है और लकड़ी पॉलिश। तो बाम्बू जैसे मतलब आप जब बाम्बू लेकर आते होंगे तो उसमें उसको सुखाना और छीलना उसका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप करते हैं उसको? सबसे पहले तो सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद उसका जो ऊपर का जो छिलका है, जो चिकना वाला छिलका होता है बांस का, उसको सबको निकालना पड़ता है, उसके अंदर का जो सख्त जो होता है, उसके बीच का जो मटेरियल होता है
उसी से ही बनेंगे। जी अच्छा, ये तो ही आपकी चित्र शैली की, बाकी किस तरीके से आपकी जो टेक्निक है, जो बाम्बू पेंटिंग आप बनाते हैं। अब बात करते हैं आपके चित्रों के विषय। जैसे कि हम जानते हैं कि आपके जो ये बाम्बू चित्र हैं ये बस्तर के ट्रेडिशन पर ही बेस हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं आप इस तरह से। मैं क्या पैदाइशी मेरा बस्तर में ही है, तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो संस्कृति है, उससे अच्छे से वाकिफ हूँ मैं, तो उसी बेस पे ही काम करता हूँ। जैसे शादी हो गया, दशहरा हो गया, यहाँ का जतरा हो गया, गोटुल गुड़ी हो गया, दंतेश्वरी माँ का जो छतर है, जिसके छत्र छाया में लोग बस्तर के लोग रहे कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब चीज़ के बारे में मतलब चित्रकारी के माध्यम से मैं लोगों को दिखाना। जी आपकी कितनी प्रदर्शनियां हो चुकी हैं, या आपको कितनी जगह पर प्रदर्शनी अपनी कला को मतलब जो है दिखाने का मौका मिला, लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला? प्रदर्शनी तो आज अभी तक मैं लगभग 8 से 10 प्रदर्शनी गया हूँ, जिसमें सबसे पहला मेरा रायपुर जगार में हुआ, और उसके बाद दिल्ली गया था, वहाँ 1 महीना काम किया, फिर आने के बाद भुवनेश्वर कटक गए, वहाँ भी काम किए, जयपुर राजस्थान में भी काम किया, और छोटे छोटे जैसे प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ में होते हैं वहाँ से भी जगह किया। तो वहाँ पर आपको मतलब किसी भी छोटे या बड़े पुरस्कार से कुछ सम्मान प्राप्त हुआ? पुरस्कार तो खैर अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये सब चीज़ का जैसे वो एग्जीबिशन गया हूँ तो उसका प्रमाण पत्र जरूरी है। प्रमाण पत्र से तो अभी आप इसको आगे की तरफ किस नज़रिए से देखते हैं, कि क्या आप इसको मतलब और आगे ले जाना चाहेंगे, या इसमें मतलब किस तरीके से देखते हैं आप अपने मतलब इस बाम्बू पेंटिंग को, या आपकी क्या योजनाएं हैं इसको लेकर आगे भविष्य में क्या सोचते हैं इसके बारे में? भविष्य में मैं यही चाहता हूं कि जिस टाइप का मैं काम कर रहा हूं, तो मैं अगर काम करना बंद कर दूं तो क्या मेरा जो काम है विलुप्त हो जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि विलुप्त हो, और भी लोग सीखें, और भी लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ। शासन के माध्यम से अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल हम आगे आएंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग सीखें इसको, जाने लोग। अगर मैं अगर काम बंद कर देता हूँ तो विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आपका जो ये बाम्बू पेंटिंग है ये बहुत ही यूनिक है, और हम भी ये चाहेंगे कि मतलब ये जो आपके बस्तर ट्रेडिशन के जो बाम्बू चित्र हैं ये कभी विलुप्त ना हो, विलुप्ति की कगार पर कभी ना पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।